हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कीटोन। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कीटोन पे क्वेश्चन आता है कि कीटोन की बनाने की विधि तथा इसके गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और ये जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर में। आप जानते हैं कि केवल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूं, तो 5 नंबर तो बहुत होते हैं ना। तो आप तैयार कर लीजिए, मैं यही कहूंगा। जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़िए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक करके पढ़ लीजिए। समय बहुत ही कम रह गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कीटोन, जिसे का फॉर्मूला होता है RCOR। ठीक है, तो कीटोन बनाने की विधि। तो सबसे पहली बात तो ये हमें समझना है कि कीटोन बनाने की एक ही विधि नहीं है, कीटोन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। परंतु जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए आसानी से समझ में आ जाए, जिसे आप बोर्ड एग्जाम में आसानी तरीके से लिख पाए, वो मैं ढूंढ कर लाया हूं और उसी तरीके से आपको लिखना है और इसी प्रकार आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिख देना है कि इसके निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, इसकी बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें से हमने एक लाया है जो है कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। मतलब यदि हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, परंतु कंडीशन यह है कि द्वितीयक एल्कोहल होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा है कि जब द्वितीयक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे K2Cr2O7 कहते हैं, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, की उपस्थिति में यदि ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातों को आपको लिखना होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है ये सभी बातें, समझ में आ जाएगा, रिएक्शन पहले समझ जाइए। देखिए कैसे हम बनाते हैं। वास्तव में हम बनाते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है जी, देखिए बनाने का विधि क्या है कि सबसे पहले हम द्वितीयक एल्कोहल को लेंगे। द्वितीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर यही तो होता है, RRCHOH। दो आर है, इसका मतलब द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, तो ये हमने द्वितीयक एल्कोहल ले लिया। उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे, परंतु ऑक्सीकरण करने की क्या कंडीशन यह है कि K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमें करना है। तो ये बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब हम इनकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो ये K2Cr2 और H2SO4 ये दोनों पहले आपस में क्रिया करते हैं, तो यहाँ से एक नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन निकलता है। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर इधर सबसे पहले निकल जाता है, जो है H2O। दो हाइड्रोजन निकला तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ गया, तो H2O बाहर निकल गया। इतनी बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आर आर, देखिए दो यहाँ पे आर बचा, दो हमने आर लिख दिया। फिर से यहाँ पे सी बचा तो वो हमने सी लिख दिया। फिर से ओ बचा तो ओ हमने लिख दिया। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है? कीटोन ही तो है। ये क्या है? यही तो है कीटोन। आप कहेंगे कि सर नहीं, कीटोन का तो ये स्ट्रक्चर है, आपने तो ये बताया। तो ये छोटी छोटी बातें ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते हैं। अब मैं भी कंफ्यूज होता था, मैं अपने टीचर से जब पूछता था, जब मैं क्लास 12th में पढ़ाई करता था। तो ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों बात एक ही है। इसको हम चाहें तो इसको RCOR भी तो लिख सकते हैं। इस R को हमने इधर लिख दिया, वही तो RCOR लिख दीजिए या इस प्रकार लिख दीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में हमें कहते थे, कह रहे हैं कि सर आप आसानी से बता देते हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप कहते हैं, आपको समझ में आता है। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको समझ में आ जाता है, वो आपके लिए यूज़फुल हो। इससे बेहतर
मतलब क्या हो सकता है, तो मैं बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है सभी हम कमेंट आपको पढ़ते भी हैं, यदि कोई कमेंट अच्छा होता है तो उसका हम रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मुझसे भी आप कभी कमज़ोर होंगे। मैंने जब 10 का पेपर दिया था ना, तो 10 के पेपर में मैंने केवल रट्टा मारकर केमिस्ट्री, खासकर मैं कहूँगा केमिस्ट्री में मुझे परमाणु क्या होता है, परमाणु, जो परमाणु एटम क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, जो कि केमिस्ट्री का मूलभूत पहला मतलब मौलिक इकाई है जो है परमाणु, तो परमाणु तक तो हमें नहीं पता था। मैंने एक मेरा टीचर है, आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, केमिस्ट्री के टीचर, ठीक है, फिजिक्स के जो मैथ की टीचर कौन है, इंग्लिश के टीचर, यदि आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमारे जो केमिस्ट्री की टीचर है उनके पास हम लोग गए, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ गया था। तो हम लोगों ने उनसे, अपने जो टीचर हैं, ठीक है, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत मैं कह सकता हूं कि मैं आज केमिस्ट्री में मैं शायद आपको पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। अब पढ़ाता मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिखाता हूं, ठीक है, मुझे जितना आता है मैं आपको सिखा देता हूं, मुझे ऐसा नहीं है कि सब कुछ पता है। तो उन्होंने, मेरे टीचर ने क्या किया कि उन्होंने केवल हमें क्या किए, उन्होंने दो, हम दो ही दोस्त थे, तो दो व्यक्तियों को, हम लोगों दो स्टूडेंटों को ही पढ़ाते थे, और भूल जाते थे कि 1 घंटा पढ़ाना है कि 1.5 घंटा, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ाते थे, छोटी छोटी बातों को हम पूछते थे क्योंकि हमें पता नहीं था। और ऐसा नहीं है कि टीचर, वो हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो गुस्सा होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमें बताते थे। उनकी सबसे अच्छी आदत ये है कि सबसे पहली बात तो वो सभी को रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वो स्टूडेंट ही हो चाहे टीचर ही हो, किसी को भी वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देते थे, छोटी छोटी बातों को बताते थे, दैनिक जीवन में कैसे हमें जीना चाहिए जीवन को, उन सभी चीजों को वो बताते थे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं देखता था कि जो तैयारी के जो बैच चलता है, ठीक है, यूट्यूब पे अभी भी देखेंगे, ऑनलाइन चलता है, तो वहाँ पर जानते हैं कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े टीचर हैं उनसे उनसे कहते हैं कि थोड़ा इसको बता दो, ये तुमने नहीं कराया। ये कैसा शब्द है, आप ही सोचिए, क्या टीचर को ऐसा बोलना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मुझे आप कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बड़े बड़े जो टीचर हैं कम से कम उनसे कैसे आपको बात करना है ये तो आप समझिए, ठीक है। तुम ना कहकर आप कह देंगे तो कितना रिस्पेक्टफुल लगेगा, कितना मतलब उनको भी अच्छा लगेगा, चलिए हाँ ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बताने का मेरा मकसद यही था कि थोड़ा सा यदि आप उस लहजे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुधारिए, ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ों का भाषा है, पढ़े लिखे का वो भाषा ही नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तो इसीलिए। तो ये थोड़ा सा मैं भटक गया था, बट चलिए इतनी बात आप समझ गए ना। तो ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। कभी कभी छोटी छोटी बातें ना पता होने के कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो गलत करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं कहना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये द्वितीयक एल्कोहल है, तो हमने यही ना बताया, जब द्वितीयक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, वही तो बात हमने लिखा है, तो आप यहाँ से भी बोलकर लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये है, ठीक है, तो ये आपका तो हमने स्ट्रक्चर बता दिया, अब इस पर एग्जाम्पल दो तीन लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, बाद में आप कहेंगे नहीं सर। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आर आर की जगह पर हम CH3 CH3 ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर CHOH, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये अब इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो ये होगा K2, ये हमने द्वितीयक एल्कोहल लिया है, ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7+H2SO4, इसकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन निकल कर इधर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, फिर से यहाँ पर CH3 मिला तो CH3, और यहाँ पर CO तो हम यहाँ पर CO लिख देते हैं, और ये CH3 फिर से हम इधर लिख देंगे, ऐसे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ये आपका कीटोन बन गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका आपका नाम क्या है, आपको पता होगा इसका नाम है आइसो प्रोपिल एल्कोहल, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है, दो मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई
मेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन। तो ये हमने आपको बता दिया। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया आपको, ये लिखने के बाद ये रिएक्शन बिल्कुल लिखना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो ये हमने एक आपको बता दिया कि देखिए ये हमने द्वितीयक एल्कोहल लिया था जिसमें आर के जगह पर CH3 लिखा था। अगर आप चाहें तो C2H5 पर भी लिख सकते हैं, C3H7 पर भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक और मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ, ये तीन आप रिएक्शन लिख देंगे तो टीचर भी समझेंगे कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। जैसे कि अब R के जगह पर हम C2H5 ले रहे हैं, ठीक है, C2H5, और इसका CHOH ये हम ले रहे हैं, और इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं। जब ऑक्सीकरण करते हैं किसकी अवस्था में, K2Cr2O7+H2SO4 की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ से एक एक एच निकल जाएगा तो ये H2O बाहर निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा C2H5 और फिर से CO, यहाँ से CO और फिर से ये C2H5 इधर जुड़ जाएगा, C2H5। समझ पा रहे हैं? तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कीटोन बन गया। रिएक्शन सेम टू सेम है, जहाँ पर CH3 लिखे हैं ना केवल वहाँ पर C2H5 लिख देना है, ठीक है, आसान है, इतना तो आसान आप कर ही सकते हैं। तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, दो क्या है, एथिल है तो डाई एथिल कीटोन है, तो आप लिख देंगे ना डाई एथिल कीटोन, ये सभी नाम आपको लिखना है। मैं लिखता इसलिए हूँ, मैं बोल देता हूँ फिर से लिखता इसलिए हूँ कि कहीं आप सोच कर कहीं आप खुद ही ना लिख पाए, ठीक है, छोड़ दे आप, तो ऐसा अच्छा बात नहीं है, आप लिखे रहेंगे तो ये रहता है, चांसेस ये बनता है ना कि आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं, नहीं तो क्या पता टीचर को लगेगा कि आपने नाम नहीं लिखा है तो वो काट ले एक नंबर। तो क्यों हमें एक नंबर कटवाना है, नाम भी हम लिखते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि भौतिक गुण आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए भौतिक गुणों में आपके क्या लिख देना है कि यह रंगहीन द्रव होता है। देखिए जो कीटोन होता है ना वो जब द्रव होगा तो वो रंगहीन अवस्था में होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा, और ठोस अवस्था में भी ये पाया जाता है। तो वही बताया गया, बात कहा गया कि ये रंगहीन द्रव तथा ठोस अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव अवस्था में ये पाया जाएगा, परंतु द्रव अवस्था में जब वो मिलेगा, जैसे लिक्विड है पानी है उस अवस्था में मिलेगा तो उसका कोई रंग नहीं होगा, और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। दूसरा, यह सभी मतलब सभी कीटोनों में फलों जैसी गंध आती है, मतलब उनकी गंध कैसी है, फलों जैसी है, ठीक है। तीसरा आता है कि यह जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में विलय होते हैं, यदि कीटोन को हम जल में घोलेंगे तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा, ठीक है। चौथा इसका गुण है कि क्वथनांक, तो देखिए सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का होता है, उससे कम क्वथनांक होता है कीटोन का, और उससे कम होता है एल्केन का। मतलब यदि मान लेते हैं कि इन तीनों को, इसको एक बर्तन में रखकर गर्म किया जाए, इसको भी, तो सबसे पहले मान लेते हैं तीनों पर एक समान ताप दिया जाए, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का ताप हम दे रहे हैं तीनों का, तो सबसे पहले ये वाष्प में परिवर्तित होगा, उसके बाद कीटोन वाष्प में परिवर्तित होगा, और अंत में एल्कोहल परिवर्तित होगा। समझ रहे हैं ना? तो वही क्वथनांक का मतलब यही होता है, सबसे अधिक एल्कोहल का कीटोन का, उसके बाद एल्केन का, और इसका घनत्व तो जल से कम होता है, मतलब जल जितना पतला होता है उससे भी पतला होता है कीटोन। तो इतनी बातों को आपको लिख देना है, इसका उपयोग नहीं पूछा जाता। रासायनिक गुण आप लिखना चाहें तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि समय कम है और रासायनिक जो गुण है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें टोटल रिएक्शन ही है, तो रिएक्शन में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इतने रिएक्शन ही मैं बता रहा हूँ तो स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कमज़ोर से कमज़ोर हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में बताऊंगा तो उससे और भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा इतना आप लिख देते हैं ना, तो इतना भी आप लिख देंगे तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएंगे। शायद यही हो कि रासायनिक गुण ना लिखे हैं तो आधा नंबर आपका कट जाए, परंतु इतना तो मिल ही जाएगा ना। अब मैं खासकर, समय कम है, मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी अपना कर लें, ठीक है, तो इतना ही आप तैयार कीजिए, इतना बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे फुल नंबर आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और तीसरी बार चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहली बात, यदि आप कुछ पे करना चाहते हैं तो पे ना करके आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल आप अपने 5 दोस्तों के बारे दोस्तों को हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल से आप बताइए कि हम भी इस चैनल से पढ़ाई करते हैं, उनके पास लिंक को शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर कीजिए, समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार आपको करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई केवल VBI क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक करके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो आशा करते समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।